हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 24 फरवरी 2021 और आज दिन है बुधवार का और मैं आया हूँ आज गौर सिटी में। जैसा आप देख सकते हो ऊपर गौर सिटी है, इसकी बहुत बड़ी एक एंट्रेंस गेटवे है। एक्चुअली आज यहाँ पे हमारे कंपनी का एक मीटिंग हुआ था जो कि बिल्कुल सामने ही है, गौर सरोवर पोर्टिको नाम से बगल में ही एक होटल बन रहा है, तो उसमें हमारे जो बैंक्वेट है उस पर मीटिंग हुई थी। तो सामने ही इसके लगता हुआ गौर सिटी 1 और गौर सिटी 2 है, तो मैंने सोचा एक राउंड यहाँ की आपको दिखा दूँ। तो मेरे दोनों तरफ जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं ये गौर सिटी 1 है, और इस गौर सिटी 1 के लेफ्ट में, मतलब जैसे अभी हम चल रहे हैं हमारे लेफ्ट में फिर गौर सिटी 2 आता है। गौर सिटी 1, गौर सिटी 2 ये दोनों गौर सिटी का ही हिस्सा है। गौर सिटी 1 पहले बना था और गौर सिटी 2 बाद में बना था, और गौर सिटी 2 में अभी कुछ टावर्स ऐसे हैं जिनकी पोजीशन अभी भी मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा सोसाइटी है, इंटीग्रेटेड सोसाइटी है। इंटीग्रेटेड से मेरा मतलब है कि इसी के अंदर स्टेडियम, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस सब कुछ है। अभी लेफ्ट में फर्स्ट एवेन्यू गया है। अच्छा, गौर सिटी के बारे में बता दूं, गौर सिटी में सारे एवेन्यूज़ के नाम से बटा हुआ होता है। राइट में मेरे 6th एवेन्यू है, तो इसी तरह से 1 एवेन्यू, 2 एवेन्यू, 3 एवेन्यू, इस तरह से एवेन्यू में ये बटा हुआ रहता है। और अभी जो लेटेस्ट एवेन्यू आ रहा है वो है 14th एवेन्यू आ रहा है गौर सिटी 2 में। तो ये है गौर सिटी 1, और इस तरह से एक राउंड मैं लगा रहा था तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बना लेता हूँ, आपके काम आएगा। और ये जैसे आप देख रहे हो वे टू स्टेडियम एंड टेंपल, तो गौर सिटी 1 में एक क्रिकेट ग्राउंड है जहाँ पे क्रिकेट मैचेस होते हैं, और एक कृष्ण जी की मंदिर है। तो ये जो अभी आप राइट में देख रहे हैं ये कृष्ण जी की मंदिर का जो परिसर है वो है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा ठीक से। ये मैंने राइट ले लिया है गौर सिटी 1 के अंदर ही। हम लोग आज सुबह 8 बजे से ही एक मीटिंग में थे और वो मीटिंग अभी ख़त्म हुई, अभी 1 बज रहे दोपहर के। तो मेरे राइट में जो आप देख रहे हैं ये कृष्ण जी की मूर्ति है, मतलब यहाँ पे कृष्ण जी की मंदिर है, मूर्ति जो है वो यमुना एक्सप्रेसवे पे, ये इस तरह से मंदिर है। गौर सिटी 1 का ये हिस्सा है, गौर सिटी 2 में भी अपना एक मंदिर है। और यहाँ पे कुछ लोग स्कूटी सीखते हुए, और राइट में जो आप देख रहे हैं अभी ये क्रिकेट ग्राउंड है यहाँ पे एक, और यहाँ पे आप रेंट देकर, मतलब यहाँ पे आप चार्जेस देकर आप क्रिकेट खेल सकते हैं। ये देखिए मैं दोबारा कैमरे को उतार लेता हूँ यहाँ से, ये यहाँ पे कुछ क्रिकेट ग्राउंड है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं है तो मेरे को एक्चुअली ये आइडिया आया कि मैं ये दोनों जगह आपको दिखाता हूँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं जल्दी जल्दी निपटाता हूँ जगह को, एक ब्रीफ आपको दे देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। जिन लोगों को आइडिया नहीं है, जिन्होंने नाम सुना है गौर सिटी के बारे में और वो एक अंदर से आइडिया मांगते हैं, मैंने ये वीडियो उनके लिए बनाने की सोची है। कुछ इस तरह से मैं दोबारा बाहर जो मेन रोड है गौर सिटी 1 के अंदर वहाँ आ गया हूँ, और ये मंदिर वाला जो गली था ये वो था जहाँ पे मंदिर और स्टेडियम है। तो अलग अलग एवेन्यूज़ में बटा हुआ है ये गौर सिटी। अभी हम गौर सिटी 1 में है, गौर सिटी 1 के अंदर शायद 6 एवेन्यू है, फर्स्ट एवेन्यू से लेकर 6 एवेन्यूज़ है। और अभी राइट में मेरे 5th एवेन्यू और लेफ्ट में मेरे गैलेक्सी नॉर्थ एवेन्यू है। एक्चुअली यहाँ पे गौर ने थोड़ी सी ज़मीन जो है गैलेक्सी बिल्डर को भी दिया हुआ है, तो उनका प्रोजेक्ट है यहाँ पे नॉर्थ एवेन्यू के नाम से। और मेरे लेफ्ट में जो अभी आप देख रहे हैं ये है कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स यहाँ का, और सामने है जो बाकी एवेन्यूज़ है इसके वो है, तो काफ़ी बड़ा एरिया है। और ये जैसे आप देख रहे हैं लेफ्ट में ये कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है सिटी प्लाजा के नाम से, और इसी से सारी जो कमर्शियल नीड है वो फुलफ़िल होती है यहाँ के लोगों की। काफ़ी अच्छे से बना हुआ है, अगर आप यहाँ रहे तो आपको सिर्फ ऑफिस के लिए बाहर जाना पड़ेगा उस, और बाकी किसी काम के लिए आपको बाहर नहीं जाना। ये कुछ इस तरह से गेट है, और गेट की उस तरफ जो आप देख रहे हैं ये गौर सिटी 2 है।
एक्चुअली अथॉरिटी का जो मतलब सेक्टर का जो रोड है, बीच में एक सेक्टर रोड आता है, और इस सेक्टर रोड से दोनों गौर सिटी 1 और गौर सिटी 2 अलग हो जाते हैं। तो हम गौर सिटी 1 से निकल आए हैं, अब हम गौर सिटी 2 एंटर होने वाले हैं। गौर सिटी 2 जो है वो गौर सिटी 1 से काफ़ी बड़ा है। मेरे लेफ्ट में जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा गौर सिटी 2 है, और राइट में जो आप देख रहे हैं ये महागुण माईवुड्स है। इसकी कभी हम और एक रेकी करेंगे। आज हम आए हैं गौर सिटी 1 और गौर सिटी 2 देखने के लिए। लेफ्ट में संस्कृति विहार यानी कि 10th एवेन्यू, इन्होंने नाम भी दिया हुआ है, 10th एवेन्यू को संस्कृति विहार नाम दिया है। तो ये है 10th एवेन्यू, और यहीं से लेफ्ट ले लेंगे तो एंट्री आ जाएगी गौर सिटी 2 की, और अगर हम राइट ले लेंगे तो एंट्री आ जाएगा महागुण माई वुड्स। देखिए बहुत ज़्यादा रिहाइश है यहाँ पे, ऑलमोस्ट सारे के सारे लोगों ने ऑक्यूपाई कर लिए अपने फ्लैट्स को, और वो है यहाँ का कॉमर्शियल जो डेली नीड्स को फुलफिल करती है। यहाँ पे काफ़ी सारे कॉमर्शियल है, उनमें से एक ये है और बहुत ही फेमस है गौर सिटी 2 का कमर्शियल। और कुछ इस तरह से एंटर कर गए हम, और जितना भी आपको दिख रहा है ये सारा का सारा जो है ये गौर सिटी 2 है, और लेफ्ट में राइट में जितने आपको फ्लैट्स दिख रहे हैं इन सब में लोग रहते हैं। और मेरे लेफ्ट में आ गया है यहाँ का कॉमर्शियल जिसका नाम है गौर सिटी गैलेरिया। तो आपने अगर गौर सिटी गैलेरिया नाम सुना है तो ये वो जगह है गौर सिटी गैलेरिया, और इसके साथ ही लेफ्ट में 12th एवेन्यू लगता हुआ है, और राइट में यहाँ पे अगेन गौर ने कुछ बिल्डर्स को ज़मीन दी है जिन्होंने यहाँ पे काम किया हुआ है, जैसे कासा वुड स्टॉक। अभी जो आप मेरे राइट में देख रहे हैं कासा वुड स्टॉक एक प्रॉपर्टी है, और लेफ्ट में आप देख रहे हैं मेरे गौर सिटी 2 का 12th एवेन्यू। तो कुछ इस तरह से गौर सिटी 1 और गौर सिटी 2 बना हुआ है, बहुत ही अच्छे से बना हुआ है, लोग रहते हैं, स्कूल चालू है यहाँ पे, यहाँ पे हॉस्पिटल अभी ऑपरेशनल होने वाला है, गौर का खुद का हॉस्पिटल है यहाँ पे जो ऑपरेशनल होने वाला है, और मार्केट तो आप देख ही सकते हो मार्केट पूरी तरह से चल रही है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें चालू है, और आप अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं, अपने रहने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी जगह है। फिलहाल कुछ अथॉरिटी मतलब कुछ नोएडा के बसेस चलते हैं, बाकी मेट्रो से आने वाले 2 सालों में इसकी कनेक्टिविटी है। और अब जो आप सामने देख रहे हैं ये एग्ज़िट है, गौर सिटी 2 का एग्ज़िट है ये। अब हम यहाँ से एग्ज़िट ले लेंगे। मेरा मकसद जो है आपको एक ब्रीफ समझाने का था, मैं इन डिटेल वीडियो नहीं बना रहा हूँ। जिन लोगों को इन डिटेल नॉलेज चाहिए वो मुझे डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे फेसबुक पे मुझे मैसेज कर सकता है, मैं उनके साथ बात करके उनको समझा दूंगा कहाँ पे क्या है। और बाकी अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं तो फिर आप मेरे साथ डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और अभी लेफ्ट में VVIP है, हम गौर सिटी 2 से निकलकर अब दोबारा उस रोड पे आ गए हैं जहां से राइट ले लेंगे तो NH24 आ जाएगा, और लेफ्ट ले लेंगे तो गौर चौक आ जाएगा, गौर चौक यानी कि किसान चौक। तो फ्रेंड्स अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह से डेली नोएडा दिल्ली NCR के वीडियोस डालता हूं, तो अगर आप दिल्ली नोएडा NCR के वीडियोस चाहिए आपको, और अगर आप यहां आने का सोच रहे हैं या आप ऑलरेडी रह रहे हैं, तो आपके लिए मेरा चैनल बहुत काम का हो सकता है। मैं मिलता हूं आपसे कल इसी तरह से एक नए जगह के वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।